खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। देशवासियों, आज मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध जगत पर बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं उन युवा लोगों से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती, और आप धर्म के चश्मे से सरकारों को देख रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जब धर्म का चश्मा हटेगा, आप चेतेंगे, तब तक आंख देखने के लायक नहीं बचेंगी। ये मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रहे ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं ने प्रदेश की योगी सरकार के शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की पिछली सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार को निशाना बनाकर सत्ता पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती आदि के मामले में देश में एक हब बन गया है उत्तर प्रदेश। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब प्रदेश हत्या, लूट आदि का गवाह न बनता हो। मेरे दोस्तों, विपक्ष में रहकर दूसरे दलों की सरकारों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा से लेकर सड़क तक हल्ला मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पर प्रदेश के विपक्षी दलों द्वारा घिरती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले की बात करें तो नाव में दो लड़कियों का शव और एक लड़के के घायल होने की जो खबर मिली थी, और इसके अलावा भी अगर मैं हाथरस के कांड की बात करूं तो प्रदेश की योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया गया था। इन घटनाओं ने प्रदेश के सियासी तापमान बढ़ाने के साथ विपक्षी दलों को राजनीति करने का मजबूत हथियार प्रदान किया था। दोस्तों, मैं यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछली सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना हमेशा साधती थी अपराध, लूट, हत्याएं, बलात्कार पर, और उसी के बल पर वही नारा देकर कि हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाएंगे, गुंडा मुक्त बनाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? लेकिन आज अगर वही समाजवादी पार्टी के नेता लोग अगर योगी सरकार पर निशाना साधते हैं तो यह सरकार को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी दल यूपी सरकार पर आक्रामक होकर हमला करने में एकजुट हो गए, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मामले पर जमकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान प्रदेश सरकार ने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए विपक्षियों के हमले को कुंद करने की रणनीति के तहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी सरकार का पिछली सरकारों से तुलनात्मक आंकड़ा पेश कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जो तुलनात्मक आंकड़ा पेश करते हुए विपक्ष को जवाब दिया, भले ही यूपी सरकार कथित आंकड़ों के जरिए अपनी पीठ थपथपाए, खुद को शाबाशी दे, लेकिन यूपी में जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। आखिर यूपी की पिछली सरकारों की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर सत्ता पाने वाली उत्तर प्रदेश की जनमानस को पिछली सरकार की तरह ही शासन दिया, या फिर उसी प्रकार उसने कानून व्यवस्था को चौकस कर प्रदेश को अपराध मुक्त और राम राज्य कहलाने लायक बनाया? दोस्तों, मैंने देखा
राम राज्य अच्छे दिन का जो वायदा था, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायद ये वही अच्छे दिन हैं जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी जो न्यूज को पढ़ रहा है ये कितनी नकारात्मक विचारधारा से भरा हुआ है, या आप मुझे राष्ट्रद्रोह बेशक कह सकते हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सांस लेने वाले आप ऐसा सोच सकते हैं। इनमें से एक भी विषय उठाने पर, यानी मेरे राष्ट्रद्रोह को खारिज करने के लिए राष्ट्र प्रेम की धरोहर के तौर पर एक तस्वीर सामने रख दी जाती है, और वो है अयोध्या के भव्य मंदिर का खाका। अच्छा लगा, राम मंदिर बना, हम भी दर्शन करने जाएंगे, आप भी दर्शन करने जाइए। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक जहां जहां आपको चंदा देते लोगों की तस्वीरें दिख जाएंगी, आपको लगेगा कि इससे बड़ी राष्ट्र सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। हमने चंदा दिया तो इससे बढ़कर राष्ट्र सेवा इस देश में आजकल कोई नहीं है। अच्छा है, यदि यही राष्ट्र प्रेम की परिभाषा है तब अच्छा है। लेकिन क्या हमारे युवाओं के लिए मंदिर का चंदा इकट्ठा करना ही असली रोजगार है? क्यों कोई ये नहीं समझता कि राम मंदिर कि आज मंदिर मस्जिद के रोजगार में लगा युवा कल इसी सियासत के चलते दंगों में भी लगा दिया जाएगा? क्योंकि अब कुछ ना सोचना, कुछ ना समझना ही राष्ट्रवाद है। अगर मैं महंगाई की बात करूं, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद, तेल के दाम आसमान चढ़ रहे हैं। किसान जो हैं, किसानों के फसलों की प्राइवेटाइजेशन की तैयारियां हमें सब लोग लगे हुए हैं। अब भी पेट्रोल 100 पर पहुंच गया है, लेकिन कोई उन पर वाद विवाद तो छोड़ो, एक प्रश्न नहीं करना चाहता मेरे दोस्तों, एक सवाल नहीं उठाना चाहता। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये पिछली सरकारों का काम है, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग को यह मार, यानी पेट्रोल कीमत की जो मार है वो झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इस देश का एक ऐसा प्रश्न कि जो पिछली सरकारें करके गई हैं, और आज की सरकार का सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि ये पिछली सरकार का काम है, ये कांग्रेस का काम है। वास्तविकता में अगर कुछ देखेंगे आप, एक जो चश्मा धर्म का लगा हुआ है आपके ऊपर, इसको आप हटाइए और बात होनी चाहिए रोजगार पर। तमाम इस देश में फालतू मुद्दे चलते हैं, जिन मुद्दों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि छात्र और अध्यापक मिलकर एक आंदोलन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब नो जॉब और नो वोट। क्या कह रहे हैं? नो जॉब नो वोट। ट्विटर पर ट्रेंड किया, कई संख्या में, लाखों संख्या में छात्र और अध्यापक जो हैं वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन मैं यही रिसर्च करके मैं आया हूं कि क्या किसी सेलिब्रिटीज ने उनका समर्थन किया? नहीं। और क्यों करें कोई सेलिब्रिटी, उनको क्या मतलब? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, किस देश में शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता, इस देश में स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं करना चाहता। कहां पर बात करना चाहता है वो मैं आज आपको बता दूं, वो है कैमरा, टीवी कैमरा। कोई भी इस देश का मंत्री, इस देश का विधायक, इस देश का पंचायत सदस्य अगर वो खुलकर बोलता है तो वो सिर्फ टीवी कैमरे पर बोलता है और तथाकथित आंकड़े पेश करता है कि हमने अपनी सरकार में ये किया वो किया, लेकिन जमीनी हकीकत में अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कराएंगे तो कुछ और ही तस्वीरें निकल के आती हैं मेरे दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी व्यवस्था
जहां पर जमीन पर कुछ और हो, आसमान पर कुछ और हो, ये चल क्या रहा है? दोस्तों, आने वाले समय में ये आपको तय करना है कि आप धर्म का चश्मा हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।